हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं टिप टॉप पिच। आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कैसे आप अपने फेसबुक के ऐप से अपने फ़ोटो पे काफ़ी सारा इफेक्ट डाल सकते हैं। आपको इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया इफेक्ट मिल जाता है। चाहे तो आप एक छोटा सा वीडियो भी बना सकते हैं और इस फोटो को या वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए करना क्या, सबसे पहले आप अपने फेसबुक ऐप्स को प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद आपको फेसबुक ओपन करना। जैसे ही ओपन करेंगे आपको फेसबुक जो कि इस टाइप से यहाँ पे फेसबुक जो कि ओपन हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कि लेफ्ट साइड के कोना में एक कैमरा का लोगो बना हुआ है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो कि कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको इसमें चार ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे यदि आपके पास ऑलरेडी फ़ोटो होगा तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं, या जो भी आपने फ़ोटो या वीडियो बनाया तो आपको यहाँ पे इस फाइल में जो कि सेव हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे एक राउंड का बना हुआ है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस यहाँ से शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं या फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कि यहाँ आपको एक कैमरा का लोगो बना हुआ मिल जाता है। यहाँ पे से क्लिक करेंगे तो अपना बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा यहाँ से डायरेक्ट ओपन क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको फ़िल्टर का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे से क्लिक करेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े आपको फ़िल्टर मिल जाता है। उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अपना फ्रंट कैमरा जो कि यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। इसी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आप जो भी फिल्टर लाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऊपर से स्वाइप कर सकते हैं। इस तरह से स्वाइप करेंगे तो आपको इस तरह से फिल्टर यहाँ पे जो कि फेस में लग जाता है। उसके बाद आप चाहे तो डायरेक्ट हैंड टू हैंड इस पर क्लिक करके आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से इसमें काफ़ी बड़े से आप एडिट कर सकते हैं। कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं अपने फ़ोन में तो आप यहाँ से इसमें सेव कर सकते हैं इस तरह से, जो कि आपको SD कार्ड में अपने फ़ोन में जो कि सेव हो जाएगा। उसके बाद आप किसी को भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो चाहे तो आप अपने योर स्टोरी में सेव कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं या किसी अपने दोस्तों को यहाँ से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट वीडियो भी ले सकते हैं। शॉर्ट वीडियो लेने के लिए आपको इस पर इस राउंड पे आपको होल्ड करके जो कि आपको फिंगर रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना फिंगर जो कि होल्ड कर देता हूँ, रख देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे जो कि रिकॉर्डिंग जो कि स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आप इसे 20 सेकंड का एक रिकॉर्डिंग बना सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो में तो छोटा वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाने के बाद चाहे तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट होने देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कि कम्प्लीट हो चुका है मेरा रिकॉर्डिंग। उसके बाद चाहे तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं या अपने फ़ोन में या यहाँ पे क्लिक करके अपने फ़ोन में सेव करके इसे रख सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप इसमें कुछ पेंट करना चाहते हैं तो कलर करना चाहते हैं तो आप इसमें कलर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से टाइपिंग करके लिख सकते हैं, या तो अगर चाहते हैं शेयर करने के लिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कहीं भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस तरह अब जो भी आपको फ़िल्टर लाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जैसे फ़िल्टर कहा इसमें जैसे क्लिक करेंगे इसमें काफ़ी बड़े बड़े आपको फ़िल्टर मिल जाता है। उसके बाद जो भी फ़िल्टर आपको पसंद पड़ेगा, यहाँ पे जैसे जो कि हिस्ट्री है जो भी आपने फ़िल्टर यूज कर चुका है आपको यहाँ पे शो करेगा। इसमें जैसे काफ़ी बड़े बड़े आपको फ़िल्टर इसमें मिल जाता है। जो भी आपको पसंद पड़े आपको डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर देना तो आपको कुछ यहाँ पे इस तरह का आ जाता है। तो आप चाहे तो इसमें आप अपने फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो इसमें शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए मैं फ़ोटो यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जो कि फ़ोटो मेरा क्लिक हो चुका है। चाहे तो मैं इसे यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकता हूँ, चाहे तो मैं इसमें यहाँ से सेव कर सकता हूँ। इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े आप फिल्टर इसमें कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।